How to make easiest iron farm for Minecraft 1.20 जो कि भाई हमारे पॉकेट एडिशन, जावा एडिशन एंड बेडरॉक एडिशन में काम करेगा। तो लेट्स गो, मैं तुम्हें फटाफट से बताता हूँ उसे कैसे बनाना है। पर उससे पहले यार चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार हमें जो है जल्दी जल्दी 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। और जो फार्म को बनाने की मटेरियल लिस्ट है भाई वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। पहले भाई तुम लोग लो कोई सी भी लीव्स, और भाई तुम्हें जो है उन लीव्स को प्लेस करना स्टार्ट करना है, और तुम्हें बनाना है उन लीव्स की मदद से एक 9x9 का स्क्वायर, जो कि भाई पूरा बनने के बाद कुछ इस टाइप का तुम्हें देखने में लगेगा। तो गाइस सिंपली भाई अब तुम्हें इसके अंदर आके तुम्हें इसी स्क्वायर को जो है भाई 3 ब्लॉक्स डीप तक डिग करना होगा, जो कि भाई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, तुम लोग इसे इजीली कर सकते हो। और भाई जैसे तुम लोग इसको पूरा का पूरा डिग कर लोगे, तो भाई ये कुछ इस टाइप का तुम्हें देखने में लगेगा, जो कि भाई एक छोटा सा अंडरग्राउंड बेस जैसा भी तुम्हें शो हो सकता है। अब इतना होती है भाई, अब जो है तुम्हें जाना है आगे की तरफ, और यहाँ जो है तुम्हें भाई सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ तुम्हें एक ब्लॉक को भाई छोड़ देना है, इस वाले ब्लॉक को छोड़ दो, और यहाँ से भाई तुम्हें डिग करना स्टार्ट करना है इस पूरे स्क्वायर को। और भाई तुम्हें वीडियो जरा सी भी स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज अगर तुमने वीडियो को स्किप करा तो भाई इसमें भाई तुम सबको ही बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। और भाई यहाँ पर मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ कि ये कैसे बनाना है। जैसे भाई तुम लोग इतना डिग कर लो, तुम्हें भाई इसके बाकी के ब्लॉक्स को भी डिग कर देना है और इसे एकदम प्लेन बना देना है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और यहाँ भाई तुम्हारी ना साइड में एक लेयर बच जाएगी, जो कि कुछ इस टाइप से बचनी चाहिए। और भाई इतना होती, अब तुम्हें यहाँ पर जो है भाई इस वाले सरफेस को 5 ब्लॉक डीप तक और डिग करना है। तो करके दिखाता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो भाई इस तरीके से अब जो तुम्हें इसे पूरा का पूरा डिग कर देना है। तो गाइस पूरा डिग करने के बाद ये कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा, जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ जो है दो गड्ढे बने हैं, 1x7x7 और 1x5x5 का। जो भाई हमारा 5x5 का ब्लॉक है भाई, मतलब जो गड्ढा है, हमें वहीं से स्टार्ट करना है। भाई हम यहाँ पे सबसे नीचे आके यहाँ जो है कोई से भी रैंडम ब्लॉक्स या कोई से भी रैंडम ब्रिक्स लेके हमें उन्हें सिंपली प्लेस करना स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से भाई, दो दो ब्लॉक्स करते हुए। और जैसे इतना प्लेस हो जाए भाई, तुम्हें सिमिलरली जो है अपोजिट साइड में भी यही काम रिपीट करना होगा। और भाई ये काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई हम लोग यहाँ पे आगे जाके बैट्स को प्लेस कर सके, क्योंकि यार बैट प्लेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर की आयरन फार्म के अंदर में। और भाई इतना काम होते ही अब जो तुम्हें यहाँ पे बैट्स को लेना हो भाई, तुम्हें उन्हें भी प्लेस करना स्टार्ट कर देना है इन्हीं के ऊपर। और गाइस अभी दूसरी साइड बैट प्लेस मत करना, पहले गाइस हम लोग जो है अपनी सिंगल साइड वाले के नीचे के ब्लॉक्स को तोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। फिर गाइस हम लोग जो है दूसरी साइड पे ऊपर चढ़ेंगे, और यहाँ पर जो है कुछ इसकी मदद से यहाँ पे इस टाइप से अंदर के भी दूसरे ब्लॉक को तोड़ देंगे। और भाई नीचे का देखो पूरा खाली हो चुका है, तो भाई हम लोग नीचे वापस से भाई बैट्स को प्लेस कर देंगे। अभी गाइस हमारी जो है सिंगल साइड के अंदर ही भाई 10 बैट्स प्लेस हो चुके हैं। और भाई सिमिलरली हमें जो है यहाँ पे दूसरी साइड में भी ये काम रिपीट करना होगा। और भाई जब हम लोग भाई दूसरी साइड में एक काम रिपीट करके यहाँ पे भाई हम लोग जो नीचे की तरफ बैट लगाएंगे, तो भाई यहाँ जो है इन टोटल हम लोग 20 बैट्स लगा चुके होंगे, जो कि भाई मोर देन इनफ होता है। और अगर तुम लोग भाई कोशिश करना कि 20 बैट्स ही लगाओ, 20 बैट्स से ज्यादा मत लगाना और 20 बैट्स से कम भी मत लगाना। तो भाई यहाँ पे जो भाई तुम्हें सिंपली इतना काम होते ही वापस से कोई ब्लॉक लेना है, और तुम्हें जो है वापस यहाँ पे ब्लॉक्स को प्लेस करना स्टार्ट कर देना है। और भाई तुम्हें जो है जितना भी एरिया है तुम्हें इसको पूरा का पूरा कवर करके इसे एक सिंपल सा प्लेन प्लेटफॉर्म के अंदर में कन्वर्ट कर देना है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ तुम्हें भाई अब जो है बैट्स के ऊपर भी भाई तुम्हें ब्लॉक्स को प्लेस करना स्टार्ट कर देना है, और जैसे जैसे भाई तुम लोग इसे पूरा का पूरा कवर करते जाओगे भाई एक सिंपल प्लेटफॉर्म के अंदर कवर होता जाएगा। और यहाँ जो है हमारी एक लेयर बनके रेडी हो चुकी है। जैसे ये लेयर तुम्हारी बनके रेडी हो जाए, तुम्हें भाई यहाँ पे लेके आनी है फ्लैचिंग टेबल। और गाइस यहाँ जो है तुम्हें भाई फ्लैचिंग टेबल को लेके प्लेस करना स्टार्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। पर उससे पहले गाइस यहाँ जो है तुम्हें भाई 6 ब्लॉक्स को कुछ इस टाइप से डिग करना होगा, और यहाँ पे सिमिलरली तुम्हें उसके अपोजिट साइड में भाई 6 ब्लॉक्स को भाई कुछ इस तरीके से रिमूव करना होगा। जैसे भाई तुम्हारा इतना काम हो जाए, फिर भाई तुम्हें यहाँ पे फ्लैचिंग टेबल को प्लेस करना स्टार्ट करना है। और भाई यहाँ तुम लोग किसी और भाई मतलब टेबल को यूज मत करना, फ्लैचिंग टेबल भाई सबसे ज्यादा एफिशिएंट वर्क करती है इस पूरे फार्म के अंदर में। अब गाइस तुम्हें सिमिलरली यहाँ पर जो है तुम्हें बस 5 ब्लॉक्स को डिग करना है, 4 ब्लॉक्स को। और यहाँ पर जो है तुम्हें ये काम सेम इसकी अपोजिट साइड में भी करना होगा, 4 ब्लॉक्स को डिग करके उनकी जगह पे फ्लैचिंग टेबल को प्लेस कर देना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर जो है भाई सिर्फ फ्लैचिंग टेबल का यूज करना है, कोई और टेबल मत लेके आ जाना। और भाई जैसे इतना काम हो जाए, अब भाई तुम्हें यहाँ पे विलेजर्स को लेके आना है। विलेजर्स को लाने के लिए यहाँ तुम लोग अगर सर्वाइवल में ला रहे हो तो भाई तुम्हें उसके लिए यहाँ पे लगेंगे 2 विलेजर्स। और भाई तुम लोग जो है उन 2 विलेजर्स को लाके सिंपली ब्रीड करा सकते हो, और ब्रीड कराने के बाद भाई वो भी जो है 20 विलेजर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले यहाँ जो है मैंने कुछ टॉर्चेस वगैरह प्लेस करी है, ताकि भाई नाइट के टाइम पे यहाँ पे कोई जॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो जाए और हमारे सारे विलेजर्स को भाई जॉम्बी विलेजर के अंदर कन्वर्ट ना कर दे। और भाई यहाँ पे मैं क्रिएटिव में हूँ, इसलिए भाई यहाँ पे जो है मैं एक्स का यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज भाई अगर मैं सर्वाइवल में से बनाऊंगा
तो भाई यहाँ पे जो है मैं लेके आऊंगा दो विलेजेस को और उन्हें जो है ब्रेड देके ब्रीड कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस 20 विलेजेस तो आ जाएंगे, पर गाइस यहाँ जो है कोई भी भाई ग्रीन सूट वाला विलेजर और साथ में भाई बेबी विलेजर नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस भाई ग्रीन सूट वाला विलेजर है तो भाई तुम लोग उसे मार के खत्म कर दो, क्योंकि भाई उसका कोई फायदा नहीं है। पर गाइस तुम लोग यहाँ पर जो है बेबी विलेजर के बड़े होने का वेट कर सकते हो, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम लोग वेट करना चाहो तो वेट करो, अदरवाइज गाइस इसे तुम लोग मार भी सकते हो। और यहाँ पे सारा जैसे तुम्हारा काम हो जाए तुम्हें भाई यहाँ पे 20 विलेजेस को काउंट करना है, और उसके बाद गाइस तुम्हें जो है इस पूरे भाई प्लेटफॉर्म को भी ऊपर से कवर कर देना है। तो गाइस यहाँ तुम्हारे आयरन गोलम भी स्पॉन हो गए तुम्हें भाई बहुत ही ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि भाई तुम लोग फार्म बना रहे होगे और भाई बीच बीच में आके भाई स्पॉन हो जाएंगे और जगह को घेरना स्टार्ट कर देंगे, तो भाई इन्हें तुम लोग मारना स्टार्ट करना। पर गाइस ध्यान से भाई सर्वाइवल में हो तो भाई ये तुम्हें पक्का से मार देंगे, तो थोड़ा भाई सेफ्टी से भाई इसे मारना ताकि तुम्हें कोई भी डैमेज ना पहुंचे। और भाई यहाँ पर जो है तुम्हें सिंपली भाई इसके बाद जो है पूरा का पूरा इसे कवर करना स्टार्ट करना है और इसे पूरा का पूरा कवर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर भाई अभी जो है मड ब्लॉक का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मड ब्लॉक को यूज़ नहीं करता और मड ब्लॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई अब देखो तुम्हारा फार्म फुल्ली रेडी हो चुका है और यहाँ पे जो है भाई धीरे धीरे करके बहुत कोई स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक और आयरन गोलम भी आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा मस्त बात है। और भाई और गाइस कैट्स का स्पॉन होना भाई वो भी आयरन फार्म के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो भाई इसके लिए कोई भी भाई दुखी मत हो जाना। तो गाइस यहाँ पे जो है तुम्हें सिंपली भाई दो ब्लॉक्स को डिक करके यहाँ पे तुम्हें ग्लास को प्लेस करना होगा, मैं अभी से ही कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे पहले आयरन गोलम साइड हो जा भाई क्योंकि दिक्कत हो रही है। और यहाँ जो है अब तुम्हें सिंपली जो है तीन ब्लॉक्स को इस तरीके से डिक करना है और यहाँ जो है तुम्हें भाई हॉपर्स को अटैच करना स्टार्ट कर देना है, वो भी भाई क्राउच होके दो गाइस तुम्हें जो है यहाँ पे भाई ब्लॉक से अटैच करना है और किसी एक हॉपर को भाई तुम लोग सिंपल दूसरे हॉपर से अटैच कर दो। भाई इतना काम होते ही तुम्हें भाई ये दो ब्लॉक्स को वापस से तोड़ना है और यहाँ जो है तुम्हें लगानी है भाई एक डबल चेस्ट। और भाई डबल चेस्ट के ऊपर तुम्हें वापस से ग्लास ब्लॉक को प्लेस करना है। मैं ग्लास ब्लॉक को इसलिए प्लेस करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लास ब्लॉक के ऊपर भाई हम लोग जो है चेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। और भाई यहाँ जो है तुम्हें सिंपली कुछ इस टाइप से साइन बोर्ड्स को प्लेस करना है और भाई इन साइन बोर्ड्स को प्लेस करने के बाद तुम्हें यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से एक लावा बकेट भी डाल देनी है और जो तुम्हारा फार्म है भाई ये बन के हो चुका है रेडी। तो गाइस तुम्हें सिंपली कुछ इस टाइप से वाटर बकेट डाल देनी है भाई एक ब्लॉक ऊंचाई पे और भाई ये जो है हमारे आयरन गोलम को और जितनी भी कैट्स है उन सबको पुश करेगी टूवर्ड्स दी लावा। और भाई तुम्हें जो है अब इसके बाद जो है इसी वाटर बकेट के नीचे एक लगा देना है सिंपल सा ब्लॉक जो भी तुम लोग यूज कर रहे हो। और भाई यहाँ तुम्हें ना कुछ और एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को भी यूज करना है ताकि भाई यहाँ पे जो है पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा बहुत और आगे तक जाए और भाई वो जो है थोड़ा बहुत और आयरन गोलम्स को आगे की तरफ पुश करे ताकि भाई वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी जले और तुम्हारा जो फार्म है भाई ये उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर दे। और भाई यहाँ पे देखो भाई ये जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला आयरन गोलम है इसको भाई पुश मिलना स्टार्ट हो चुका है और भाई थोड़ी देर में ये भी जलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा है। और भाई देखो मैं कहता ही हूँ और यहाँ पे एक और आयरन गोलम भाई स्पॉन होना चालू भी हो जाता है। तो गाइस और गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर से करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना क्योंकि हमें 50K कंप्लीट करने हैं इसी मंथ के एंड तक। और भाई बाकी चलो मिलता हूँ मैं तुम्हें किसी और वीडियो के अंदर। मैं तुम्हारे पास अगर कोई किसी और फार्म का आइडिया है तो मुझे फटाफट से बता देना, साथ में जाके मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो नहीं करके रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक बार जाके चेकआउट करो इंस्टाग्राम को, अच्छा लगे तो फॉलो करना अदरवाइज अनफॉलो कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में भाई, तीन बार बोल चुका हूँ, बाय बाय।